पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात अपने मुनफरिद हुस्न और आबो हवा की बदौलत अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के सहराई और मैदानी इलाके भी सियाहत के हवाले से इंतहाई खूबसूरती और दिलकशी के हामिल हैं, जिनको डिस्कवर करने के लिए टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने बर्रे सगीर में बाबुल इस्लाम कहलाए जाने वाले तारीखी खित्ते वादी सिंध का रुख किया। वादी सिंध सकाफत और माशरत के हवाले से अपनी शानदार तहजीब और तारीखी अहमियत की वजह से इनफिरादियत रखने के साथ साथ सियाहती नुक्ता नज़र से सहराओं, दरियाओं, खेतों, खलियानों और बूदोबाश की खूबसूरतियों के मजमुए की हैसियत रखता है, जिसकी तारीख हजारों सालों पर मुहित है। सिंध सजी सोन बराबर, ओ सिंध सजी सुरहान, मोज भरो महरान, सदा वहे सिंध में। सुहणा माण्हू, प्यारा माण्हू, ॿिया बि हज़ार सिंधी माण्हू पधरा लखनि में, लखनि में। सुहणा माण्हू, प्यारा माण्हू, सुहणा माण्हू, ॿिया बि हज़ार सिंधी माण्हू पधरा लखनि में, लखनि में। सुहणा माण्हू। सिंध की धरती दरियाए सिंध के बाइस भी जानी जाती है, जो पाकिस्तान का तवील तरीन दरिया है। दरियाए सिंध कमोबेश हजारों किलोमीटर के इलाकों को सैराब करता हुआ मुख्तलिफ तहजीबों को जन्म देने वाला तारीखी दरिया है, जो तिब्बत, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब से होता हुआ सिंध में आके बहीरा अरब में समा जाता है। दरियाए सिंध ही के किनारे वाके सखर भी एक तारीखी शहर है। इस दरिया पर बनाया गया सखर बैराज सखर की पहचान समझा जाता है। ये बैराज सयाहों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। सिंध के ज़िला जामशोरों में वाके दी ग्रेट वॉल ऑफ सिंध के नाम से मशहूर रानी कोट फोर्ट दुनिया के सबसे बड़े कलों में शामिल है। जो कि कमोबेश 32 किलोमीटर का अहाता किए हुए है। इस कले का अछूता हुस्न और इसकी बारूद अमारत देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर देती है। दादू से 94 किलोमीटर शिमाल मगरबी इलाके में वाके कीर्थर माउंटेन्स का गोरख हिल स्टेशन सिंध और पाकिस्तान भर के सयाहों के लिए खास शोहरत का हामिल सियाहती मकाम है, जो 5689 फीट की बुलंदी पर वाके है। इसके इर्द गिर्द का नजारा आपको बालाई इलाका जात के हुस्न से किसी तरह भी कम महसूस नहीं होगा।
दरियाए सिंध के मगरब में जिला दादू और जाम शोरों के करीब वाके मंछर झील पाकिस्तान और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कुदरती झील है। पाकिस्तान की मशहूर झीलों में शुमार की जाने वाली सिंध की ये झील दावते नजारा देती, बल खाती मुख्तलिफ नदियों का पानी खुद में समोती, दरियाए सिंध में जा शामिल होती है। ये झील कुदरत के शाहकार के तौर पर सियाहत का अहम मरकज समझी जाती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वसीओ अरीज रकबे पर फैला सहराए थर दुनिया का 17वां बड़ा सहरा है, जिसका 170,000 किलोमीटर रकबा भारत जबकि 30,000 किलोमीटर का रकबा पाकिस्तान में वाके है। गा फुटी गुलजार थी मिये बुठायला। थर की जिंदगी अपने अंदर तरह तरह की रंगीनियों को समोए हुए है। सहराई बूदोबाश से नावाकिफ लोगों के लिए यहाँ की माशरत, गुजर औकात के जराए और तर्ज रिहाइश सियाहती पॉइंट ऑफ व्यू से हैरान कुन फैक्टर्स हैं। यहाँ के लोग खसो खाशाक से बनाए गए गोल घरों में रहते हैं। सहरा की जिंदगी मुश्किलात के साथ साथ बे इंतहा खूबसूरतियों और इनफरादियत से भरपूर है। सादगी और फितरत पसंदी यहाँ के खवास समझे जाते हैं। सिंध मुख्तलिफ तहजीबों का अमीन और बेशुमार तारीखी अहमियतों का हामिल खिता है। सिंध की बूदोबाश, मुनफरिद सकाफत, शहरी और कस्बाई तर्ज जिंदगी, मकामी खानों जबानों की शीरीनी और सिंधी आवाम की खास शनाख्त इस खित्ते को सियाहत के हवाले से मुमताज बनाते हैं। सियाहत के मुख्तलिफ पहलुओं से देखा जाए तो सिंध की धरती सियाहती हवालों से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इम्तियाजी हैसियत रखती है, जिसे डिस्कवर करके हम मुल्की सियाहत में एक नए बाब का आगाज कर सकते हैं। Allah, so come down to me.